ग्राम। अगर आप देखेंगे ना व्हाट इज मेंट बाय वेटेड ग्राम, अगर मैं आप में से किसी को पूछूंगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राम, व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट इज मेंट बाय ग्राम, व्हाट इज सीजन एजेस, इट इज सिंपली कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट इज सीजन एजेस है ना। आप लोगों ने कहा था इट इज एक्चुअली अ सिस्टम इन व्हिच वी हैव अ वर्टेक्स सेट एंड एज सेट। अब बेटा मैं कह रहा हूँ आप लोगों के पास एक ग्राफ है, व्हेन वी कैन से इट इज अ वेटेड ग्राफ, मैं एक एग्जांपल दूंगा, यू विल गो थ्रू दैट। सपोज बेटा आप लोगों को बुक्स लेने से मैंने कहा आपको आप मैथ के लिए एक बुक ले लो, उस बुक का नाम है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, उस बुक का नाम है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप या ये बुक जहाँ पर ये पब्लिशर है ना उनसे भी ले सकते हो या जो बुक शॉप वाले हैं उनसे भी ले सकते हो। तो आप लोगों ने कहा बेटा देखना, आप लोगों ने कहा सर यहाँ पर स्टूडेंट है, यहाँ पर ये स्टूडेंट है और यू पीपल आर सेइंग दैट सर इट्स अ शॉपकीपर, इट्स अ शॉपकीपर। और दीवा यहाँ पर आप कह रहे हैं सर दिस वन इज पब्लिशर, ध्यान से देखना थोड़ा, इज दिस अ ग्राफ, आप लोगों का आंसर यस इट इज अ ग्राफ, बिकॉज सर स्टूडेंट पब्लिशर एंड शॉपकीपर दीज थ्री एक्ट एज व्हाट सीज राइट। और अगर एंड हम देखेंगे दिस वन शॉपकीपर टू स्टूडेंट दिस एक्ट एज एन एजेंट है ना, एंड यू पीपल आर सेइंग दैट पब्लिशर टू स्टूडेंट दिस एक्ट एज एन एज, दिस इज ई वन से, दिस इज ई टू से, दिस इज ई थ्री से। अब देखना सभी लोग, अगर बेटा आप लोग ये बुक पब्लिशर से ले रहे हो ना डायरेक्ट आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, कितना मिलता है 30% डिस्काउंट है आपको यहाँ से ठीक है। और अगर आप लोग ये बुक ले रहे हो, अगर पब्लिशर से बुक ले रहा है कौन सा शॉपकीपर तो उसको 40% डिस्काउंट है ना। और अगर बेटा आप लोग आप ले रहे हो शॉपकीपर से वो तो आपको ले रहा है 10% डिस्काउंट है ना। तो आई थिंक आप लोग कह रहे हो कि सर जो आपने कहा ना हमारे पास ग्राफ है इसमें तीन वर्सेस है, कौन कौन सा स्टूडेंट पब्लिशर एंड शॉपकीपर, और यू पीपल आर सेइंग दैट दिस ग्राफ कंसिस्ट ऑफ थ्री एजेस। सर फर्स्ट एज इज पब्लिशर टू स्टूडेंट जहां से स्टूडेंट को 30% डिस्काउंट में मिलता है, बुक 100 रुपीज की है इसको 70 में मिलती है ना। सर यहाँ पर जो ये है ना पब्लिशर टू शॉपकीपर क्योंकि ये इसकी पार्टी होती है, शॉपकीपर इसकी पार्टी होती है ना, तो इसको ये देता है 60 रुपीज में। लेकिन अगर आप देखेंगे ना इसमें 100 रेट है तो यहाँ से आपको मिलती है ये 90s में ना 10%। तो यू पीपल आर सेइंग दैट सर यस दिस इज अ ग्राफ दिस इज अ मॉडल, लेकिन इस मॉडल में जो एजेस है ना हर एक एज की वेट दिया है ना। व्हेन वी हैव अ ग्राफ इन विच सम वेट इज गिवन टू द एजेस सच अ ग्राफ इज कॉल्ड अ वेटेड ग्राफ, यही हमारी डेफिनेशन। यू पीपल आर सेइंग दैट अ वेटेड ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच वेट इज गिवन टू द एजेस। एक फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कहा वी हैव अ ग्राफ सर दिस इज वर्टेक्स v1 दिस इज वर्टेक्स v2 दिस इज वर्टेक्स v3 एंड दिस इज वर्टेक्स v4 एंड दिस इज v4 टू v1। यू पीपल आर सेइंग दैट वेयर वी गो v1 टू v2 दिस इज एज e1 दिस इज एज e2 दिस इज एज e3 दिस इज एज e4। और बेटा आप लोगों ने कहा दीपा सर जो एज e1 है ना सर इसका वेट 5 है, इसका वेट 6 है, इसका वेट 4 है, इसका वेट 3 है। तो आपने हर एक एज को वेट दिया सच ए ग्राफ इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ। यू पीपल आर सेइंग दैट हियर जी इज वी कॉमा ई है ना, और आप लोगों ने कहा जो वी है ना इस वक्त दैट इज व्हाट वी 1 वी 2 वी 3 एंड वी 4 सो माय इज दिस राइट, एंड यू पीपल आर सेइंग दैट ई इज एन एसेट इसमें क्या क्या है e1 e2 e3 एंड e4 है ना। आप लोग कह रहे हैं कि सर अगर हम देखेंगे ना वेट w स्टैंड्स फॉर वेट ऑफ e1 वो 5 है, वेट ऑफ e2 कितना है बेटा 6 एंड सो ऑन, सच अ ग्राफ इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ। तो द डेफिनेशन ऑफ वेटेड ग्राफ इज लाइक दिस, अ ग्राफ इज अ ग्राफ g v, e वेयर v इज अ वर्टेक्स सेट e इज एन एसेट इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ इफ देयर इज सम वेट गिवन टू द एजेस विद एग्जांपल्स दिस टू राइट ऑन दिस। आज है आपके सिलेबस में एक और टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड बाइपार्टाइट ग्राफ, बाइपार्टाइट ग्राफ। नाउ क्वेश्चन आर इज व्हाट इज मेंट बाय अ बाइपार्टाइट ग्राफ, अगर आप लोगों के पास एक ग्राफ है g v, e व्हेन वी कैन
you say it is bipartite graph. What is V? Vertex. Vertex set. What is E? S set. आप लोग कह रहे हैं कि सर दिस ग्राफ इज कॉल्ड बाइपार्टाइट. अगर हमारे पास जो वर्टेक्स सेट है ना, हम इसको पार्टीशन कर सकते हैं. वेल वी कैन पार्टीशन. किसको पार्टीशन कर सकते हैं? वर्टेक्स. वर्टेक्स सेट को. हम पार्टीशन करेंगे. किसको पार्टीशन करेंगे? वर्टेक्स सेट को. तो से यू पीपल आर सेइंग दैट जो ये वर्टेक्स सेट है ना, इसके हमने दो पार्टीशन किए. एक सेट है V1 जिसमें हमने से वर्टेक्स लिए है 1, 3 और 5 वाले वर्टेक्स लिए, 8 वाले वर्टेक्स लिए. और यू पीपल आर सेइंग दैट हमारे पास दूसरा वर्टेक्स सेट बनता है V2 एंड दिस V2 में हमने दिया 2, 4 और 6 वाले वर्टेक्स लिए. से यू पीपल आर सेइंग दैट आई एम ना कि सर अगर हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हमारे पास वर्टेक्स सेट जो है ना, इसको हमने पार्टीशन किया दो वर्टेक्स सेट में, लेकिन जो दोनों वर्टेक्स सेट है ना वो डिजॉइंट है. मींस उनका कॉमन कुछ भी नहीं है. अगर हम देखेंगे ना V1 इंटरसेक्शन V2 वो पाई है, इजंट इट? यस सर. अ ग्राफ GV, E इज सेट टू बी बाइपार्टाइट ग्राफ. कब बेटा? जब हमारे पास वर्टेक्स सेट है ना, वी कैन पार्टीशन दिस वर्टेक्स सेट इनटू टू डिफरेंट वर्टेक्स सेट्स सच दैट द वर्टेक्स सेट्स आर डिजॉइंट. लेकिन अब आगे क्या है कि जब भी हम कोई एज लेंगे, इफ देयर इज एन एज एग्जिस्ट्स इन जी दैट कनेक्ट्स वर्टेक्स फ्रॉम V1 एंड V2, दैट इज देयर इज एज व्हिच एग्जिस्ट्स ओनली इफ देयर इज एज इट एग्जिस्ट्स ओनली सो दैट इट कनेक्ट्स वन वर्टेक्स फ्रॉम V1 वन वर्टेक्स फ्रॉम V2. एक और एग्जांपल मैं दूंगा तो डोंट वरी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल आर सेइंग दैट कि सर हमारे पास ग्राफ है और जो ग्राफ का वर्टेक्स सेट है ना, हमने उसको पार्टीशन किया, हमने उसको ब्रेक डाउन किया दो डिफरेंट वर्टेक्स सेट में, साइज दैट जो दो डिफरेंट वर्टेक्स सेट है ना, उनका कॉमन में कुछ भी नहीं है, दे आर डिजॉइंट. लिसन, यू पीपल आर सेइंग दैट हमारे पास सर वर्टेक्स सेट में एक वर्टेक्स है 1, ये 3 है और ये 5 है, इजंट इट? और दूसरी कह रहा है 2 है, 4 है एंड 6 है. अब देखना ये आपके पास वर्टेक्स सेट V1 है ना. यू पीपल आर सेइंग दैट दिस इज वर्टेक्स सेट V2. आप लोग कह रहे हैं कि जब भी हम एज लेंगे ना, ये एज ऐसा होगा जरूरी एक वर्टेक्स V1 का होना चाहिए, दूसरा वर्टेक्स V2, लाइक दिस है ना. आपने कहा लाइक दिस, यू पीपल आर सेइंग लाइक दिस, दिस विद दिस, दिस विद दिस एंड दिस विद दिस. आप लोग ने जो वर्टेक्स सेट था ना आपका, आपने उसको ब्रेक डाउन किया दो पार्शियल में, अबव एंड बिलो. और आप कह रहे हो कि जब भी हमने कोई एज ली तो उस एज में क्या पाया आपने? एक वर्टेक्स कहां का, किसका है? V1 का. दूसरी वर्टेक्स किसकी है? V2. देन द ग्राफ इज कॉल्ड बाइपार्टाइट ग्राफ. एक और बात, यू पीपल आर सेइंग दैट अ ग्राफ इज कॉल्ड बाइपार्टाइट इफ वी कैन पार्शियल द वर्टेक्स सेट इनटू टू डिजॉइंट वर्टेक्स सेट्स साइज एंड इफ देयर इज एन एज that edge always connect to one vertex from V1 and another vertex from V2. अब एक और point, when we can say this graph is complete bipartite. आपको complete graph का थोड़ा concept है. आप इसे मुझे कोई कह सकता है what is meant by complete graph? एक तो graph है, दूसरा complete graph है. What is meant by complete graph? कोई कह सकता है आप में से? मैंने पढ़ाया कंप्लीट ग्राफ. आप लोगों ने कहा कंप्लीट ग्राफ में देयर इज ऑलवेज एन एज बिटवीन एनी टू पेयर ऑफ इट्स सीज. याद आया? देयर एग्जिस्ट्स ऑलवेज एन एज बिटवीन एनी टू पेयर ऑफ इट्स सीज. अगर हमारे पास ग्राफ बाइपार्टाइट, व्हाट इज मेंट बाय बाइपार्टाइट? एक एज V1 का हम वर्टेक्स को डिजॉइंट वर्टेक्स सीज में डिवाइड करते हैं एंड देयर एग्जिस्ट्स एज सो दैट वन वर्टेक्स इज फ्रॉम V1 एंड अदर वन वर्टेक्स फ्रॉम V2. अब हम इसका ग्राफ को जो हमारे पास बाइपार्टाइट ग्राफ है ना, हम इसको कब कहेंगे कंप्लीट बाइपार्टाइट? कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ, बाइपार्टाइट ग्राफ इसको हम तब कहेंगे कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ जब देयर इज एन एज बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस such that one vertex is from V1 and other vertex is from V2. Say you people are saying this is 1, this is 3 and this is 5, this is 2, this is 4, this is 6. अगर आप कह रहे हो कि ये और ये, आप कह रहे हो कि this one and this one, you people are saying this one and this one. This means अगर हम 1 को देखेंगे ना, ये हर एक के साथ connected है ना? ऐसे आपने कहा अगर हम 3 देखेंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी.
5 इसके साथ भी, 5 इसके साथ भी एंड 5 इसके साथ भी. दिस ग्राफ इज कॉल्ड कंप्लीट बाइपार्टाइट. दिस इज कॉल्ड कंप्लीट बाइपार्टाइट. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाइपार्टाइट एंड कंप्लीट बाइपार्टाइट? बाइपार्टाइट में आपने कहा हमने दो वर्टेक्स में डिवाइड किया. सर देयर इज एन एज, एक वर्टेक्स वहां v1 की होनी चाहिए, दूसरी वर्टेक्स v2 की होनी. अब कंप्लीट में सुमाया आप कह रहे हो कि सर हां एक वर्टेक्स v1 की होनी चाहिए दूसरी वर्टेक्स, लेकिन हर एक वर्टेक्स के दरमियान एक रिलेशन होनी चाहिए. किसके? वर्टेक्स सेट v1 के और वर्टेक्स सेट v2 के. सच अ ग्राफ इज कॉल्ड अ कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ. कंप्लीट बाइपार्टाइट. एंड दिस कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ हम लिखते हैं Km, n. Km, n. m मींस नंबर ऑफ वर्टेक्स इन v1, n means number of vertices in v2. तो यहाँ पर आपने कहा this is k3, v1 में v3, v2 में v3. Clear? Yes. This was all about bipartite and complete bipartite graph. आप लोगों को exam में मिलेगा definition. Define the term bipartite graph, complete bipartite graph with an example. ठीक है? Okay, write down this.